बालिका वधू सीरियल के डायरेक्टर सब्जी बेचने को हुए मजबूर। कोरोना के टाइम पर सब कुछ हो गया बर्बाद। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। समय और हालात लोगों को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं, इसका हालिया एग्जाम्पल है बालिका वधू के डायरेक्टर। जी हां दोस्तों, बालिका वधू कुछ तो लोग कहेंगे सुजाता जैसे कई टीवी सीरियल्स के डायरेक्टर रह चुके राम वृक्ष गौड़ को सब्जी बेचनी पड़ रही है। माया नगरी मुंबई में काफी स्ट्रगल के बाद अपनी पहचान बनाने वाले राम वृक्ष आजमगढ़ में सब्जी बेचने को मजबूर है। उनकी कहानी किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मार्च महीने में वो अपने परिवार के साथ गाँव आए थे। गाँव आने का मकसद एक फिल्म के लिए शूटिंग की योजना पर काम करना था, लेकिन इसी दौरान कोरोना की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन लग गया और प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया। पैसे की कमी के चलते प्रोड्यूसर ने प्रोजेक्ट को एक साल के लिए टाल दिया है। कोई काम नहीं होने की वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और परिवार की आजीविका के लिए मजबूरन सब्जी बेचने को मजबूर हुए हैं राम वृक्ष गौड़। राम वृक्ष के पिता भी सब्जी बेचने के व्यवसाय से जुड़े हैं और इस काम में वो उनकी मदद करते हैं, इसलिए आर्थिक तंगी से निपटने के लिए उन्होंने सब्जी बेचना सबसे मुफीद लगा। आपको बता दें कि राम वृक्ष ने करीब 18 साल पहले आजमगढ़ के अपने गाँव से बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई चले गए थे, लेकिन आज वो फिर से सब्जी बेचने को मजबूर है। फिल्म इंडस्ट्री में खुद को मजबूत करने के लिए पहले लाइट विभाग में काम किया, फिर टीवी प्रोडक्शन में काम किया और बाद में डायरेक्शन में हाथ आजमाया और इसी काम में खुद को उन्होंने साबित कर लिया। जी हां दोस्तों, और बालिका वधू में अपने डायरेक्शन का कमाल कर दिखाया था राम वृक्ष गौड़ ने, लेकिन अभी वही फेमस डायरेक्टर अपने गांव आजमगढ़ में सब्जी बेचने को मजबूर है। आपको बता दें कि राम वृक्ष गौड़ के पास मुंबई में अपना मकान है, लेकिन फिलहाल कोई काम नहीं होने की वजह से सब्जी बेचने को मजबूर है राम वृक्ष। उन्हें उम्मीद है कि जीवन एक बार फिर से पटरी पर आएगा और वो मुंबई जाकर अपना काम शुरू कर पाएंगे।